धन से ऊपर अगर हम हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी रखें तो एक प्रश्न उठता है कि छोटी रकम का कोई नुकसान हो तो हम जाने दे सकते हैं कि छोटी रकम है, कौन इतनी छोटी सी रकम के लिए दिमाग खराब करे। लेकिन अगर 5-25 लाख का नुकसान हो जाए तो क्या कुछ नहीं करना है, केवल हाथ जोड़कर बैठे रहना है? नुकसान होता है तो होने दे क्या? पूज्य श्री कहते हैं कि ज्ञानी लोग उचित लोक व्यवहार का कभी भी निषेध नहीं करते। लेन देन के विषय में कोई ऐसा नहीं कहता है कि जो रकम आपको किसी के पास से लेनी है उसकी मांग भी ना करो, लेकिन वसूली करने में थोड़ी सख्ती अनिवार्य हो जाती है और सख्ती करो तो क्रोध भी आ जाता है। इस विषय पर पूज्य श्री कहते हैं कि अगर आप में इतना सत्व हो तो वह पैसा, वह वसूली को छोड़ दीजिए। आपके पैसे आने वाले हैं तो आएंगे, ना आए तो भले 5-25 लाख का नुकसान हो जाए, मेरी क्षमा को बनाए रखने के लिए, क्षमा भाव की अखंडता के लिए, धन का नुकसान उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। क्रोध करना, गुस्सा करना मेरे लिए उचित नहीं है। संपत्ति का नुकसान सहकर भी क्षमा को अखंडित रखूंगा तो कुदरत मेरी मदद करेगी ही, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? लेकिन अगर इतना सत्व ना हो तो, और हमने भी अगर किसी से उधार लिए हो और वह व्यक्ति गुंडे की तरह पैसे मांग रहा हो और हमें ही नहीं बल्कि सारे परिवार को परेशान कर रहा हो तो? पूज्य श्री कहते हैं कि इसी कारण से ज्ञानी जनों ने ऐसे अर्थव्यवहार का निषेध किया है। औरों के पैसे से व्यापार का करना और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और सारे पैसे डूब जाए तो दिवाला घोषित कर देना और लोगों के पैसे डुबो देना, यह वेस्टर्न स्टाइल है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। फिर भी ऐसे परिस्थिति में फंसे गए हैं और पैसे मांगते समय क्रोध आ जाता है तो भी क्रोध करने जैसा है ऐसा तो कभी ना माने। मन में क्रोध के प्रति दुर्भावना होनी चाहिए। एकांत में बैठकर मन में चिंतन करें कि अंगारों की प्राप्ति हेतु मैं चंदन को जला रहा हूँ, एक कील पाने के लिए पूरा महल ध्वस्त कर रहा हूँ। हे जीव, जब तक अंतराय यानी कर्म दूर नहीं होंगे तब तक उधार दी गई रकम वापस आने वाली ही नहीं है, तो फिर क्रोध करके अपने क्षमा के गुण को क्यों नष्ट कर रहा है? हे जीव, सावधान रहना, कहीं क्रोध वैर का स्वरूप धारण न कर ले। जिसके पास से पैसे लिए हुए हैं उसे यदि कोई अन्य परेशानियां आए तो देखकर खुश मत होना, उसको खत्म कर देने की धमकी दे। ऐसे दुष्ट लोगों की सहायता लेने का विचार गलती से भी मत करना, उसका भी कल्याण हो ऐसी ही प्रभु से प्रार्थना करना। कड़े शब्दों में पैसों की मांग की, फिर भी लेने वाले ने पैसे नहीं लौटाए। एक बार गुस्सा किया, दूसरी बार गुस्सा किया, इसी तरह हर बार करते रहे। गुस्सा एक ऐसी चीज है कि गुस्सा करने पर भी काम पूरा नहीं हुआ तो गुस्से की मात्रा बढ़ती ही जाती है और फिर हर बार वही आसमान तक पहुंचने वाला क्रोध। क्षमा तो गायब सी हो जाती है और ऐसे गायब हो जाएगी कि 2-4 दिन, 2-4 महीने या 2-4 वर्ष तो क्या, 2-4 जन्म तक आपके जीवन में झांकने की हिम्मत नहीं करेगी। इतने समय में धन तो कई बार आया और कई बार गया, लेकिन क्षमा का कोई अता पता नहीं। आश्चर्य इस बात का है कि उल्टा सीधा करके भी फंसे हुए रुपए वापस प्राप्त तो कर लिए और जैसे ही अपने हाथ में आए कि तुरंत प्रश्न उठता है कि अब इन्हें कहाँ लगाऊं? अरे भाई, कहीं लगाना ही था तो वहाँ लगाए हुए ही तो थे, वहाँ से क्यों निकलवा लिए? अर्थात संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्षमा, और उसके खातिर चाहे कितना भी नुकसान सहन करना पड़े तो भी उस नुकसान को क्रोध और वैर का निमित्त तो बनने ही मत दो। एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझ लेनी है कि नुकसान और लाभ के बाजार अलग अलग नहीं होते हैं। नफा बाजार में या दुकान में और नुकसान घर में होता है, ऐसा कभी नहीं होता। जहाँ नफा होता है वही नुकसान की संभावना होती है, उसी प्रकार क्षमा और क्रोध के बाजार अलग अलग नहीं होते। जो अवसर क्रोध के होते हैं वही अवसर क्षमा के भी होते हैं। अन्य व्यक्ति के जैसे व्यवहार और स्वभाव पर हमें क्रोध आता है, ऐसे ही व्यवहार और स्वभाव पर हमारे पूर्व के महर्षियों ने क्षमा रखी थी। किसी ने गाली दी
किसी ने अपमान किया, असत्य आरोप लगाए, कटु शब्द सुनाए, हमारी निंदा की, कोई वस्तु तोड़ डाली, थप्पड़ लगाए, हमारे पैसों का घपला किया, ऐसे दूसरे लोगों द्वारा की गई हरकतों को हम क्रोध का ही निमित्त कहते हैं, लेकिन कुदरत इनमें से एक भी हरकत को, एक भी कार्य को क्रोध का निमित्त मानने को तैयार नहीं है।